लापता हुआ विमान, पहाड़ियों में हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 22 लोगों की हुई मौत, ठाणे के रहने वाले एक ही परिवार के 4 भारतीय भी शामिल। कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 29 मई को नेपाल के पोखरा से तारा एयरलाइंस, एक स्थानीय एयरलाइंस है नेपाल की, इसके एक छोटे हवाई जहाज ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ये हवाई जहाज लापता हो गया। पायलट के मोबाइल लोकेशन के जरिए आखिरकार पता चला कि नेपाल के मस्तांग जिले में तवांग गांव है, जो कि काफी पहाड़ी इलाकों में, वहीं पर ये हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। खराब मौसम के कारण बचाव कार्य भी जो है वो टीमों द्वारा नहीं किया जा सका। 30 मई को आखिरकार ये बचाव कार्य पूरा हुआ, जिसमें जहाज के 3 क्रू मेंबर के साथ कुल 22 लोगों के शव यहां से बरामद किए गए। इनमें सबसे बड़ी दुखद कहानी सामने आई है ठाणे के रहने वाले एक परिवार की, त्रिपाठी परिवार, अशोक त्रिपाठी, वैभवी त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, ऋतिका त्रिपाठी, ऐसे ये चारों एक ही परिवार के लोग हैं। अशोक और वैभवी ने लव मैरिज की थी और कुछ अरसे बाद जो है इनके संबंध में कटुता आने के बाद कोर्ट से डिवोर्स हो गया। वहीं कोर्ट ने ही इनका मामला भी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ था, जिसमें एक आदेश दिया था कि पूरा परिवार एक साथ जो है कहीं बाहर जाए, एक साथ रहे। तो 10 दिन की छुट्टी निकाल करके अशोक त्रिपाठी अपने काम से आए थे, वैभवी अपने घर पर अपनी माँ का इलाज करा रही थी, अपनी बहन को बुलाकर माँ के इलाज के लिए उसको रुकवा करके अपने दोनों पढ़ाई करने वाले 22 वर्षीय बेटे और 18 वर्षीय बेटी धनुष और ऋतिका के साथ ये चारों नेपाल गए थे घूमने के लिए, ताकि ये परिवार फिर से एक हो सके कोर्ट के आदेशानुसार। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और 29 मई को लापता हुआ ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बचाव कार्य 30 मई को जब पूरा हुआ तो सभी यहां से विमान के अवशेष और 22 लोगों के शव जो है वो बरामद किए गए। इनमें से कई शवों की पहचान करना मुश्किल है। आपको बता दें, ठाणे के कापुर बावड़ी परिसर में रहने वाला ये परिवार भारतीय नागरिक के तौर पर पहले मीडिया में प्रचारित हुआ, मगर अब इनकी कुल पहचान साबित हो गई है, शिनाख्त हो गई है। कापुर बावड़ी ठाणे के परिसर में रुस्तम जी एथेना हाईवे पर जो पड़ता है, वहां पर फिलहाल वैभवी अपने बच्चों और मां के साथ रह रही थी। अशोक मूल रूप से आसाम के रहने वाले हैं और कोर्ट आदेश के बाद ये पूरा परिवार घूमने गया पोखरा से जोमसाम देखने के लिए। ये तारा एयरलाइंस के हवाई जहाज में बैठ करके निकला ही था, उड़ान भरने के बाद ये हवाई जहाज गायब हो गया और परिवार का एक सपना जो एक होने का था वो फिर से इस दुर्घटना ने चकनाचूर कर दिया।